Very good student. Standard third. Subject. Same this. Chapter. 24. आज, कल, परसों। अब ये क्या चैप्टर क्या है, कौन कैसा है? तो सबसे पहले हम जो आज कर रहे हैं, अभी की क्रिया कर रहे हैं, आज जो आप अभी एक्टिविटी कर रहे हैं वो आज की क्रिया है। आज आज हमने लास्ट किया था, जो किया था उसे कल का कहते हैं और जो आने वाला है परसों। तो कल था में भी आता है, कल होगा में भी आता है। कैसे? तो चलो कि आज आप जब वीडियो देख रहे हो उस दिन कौन सा डे है, तो भाई चलो सोमवार होगा कि मंगलवार होगा, है? तो आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, तो कल कौन सा दिन आएगा? गा गा, कौन सा दिन आएगा? तो भाई बुधवार। उसके बाद कौन सा दिन आएगा? गुरुवार। आज मंगलवार है तो कल कौन सा दिन था? तो था सोमवार, उसके पहले रविवार। तो ये आज कल परसों, तो इसके हिसाब से आपके टेक्स्ट बुक में पिक्चर दिया हुआ है, तो पिक्चर में 7 days है, तो वो हम स्टैंडर्ड सेकंड में पढ़ गए थे कि भाई 7 days इकट्ठा होकर एक सप्ताह यानी एक वीक बनता है। कौन से? 7 days। 7 days इकट्ठा होकर एक सप्ताह यानी एक वीक बनता है। कैसे? तो वो देख ले। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार है। ये पहले बात नहीं करूंगी, मुझे एक जरूरी बात करनी है कि भाई वर्कशीट रेगुलर लेकर जाओ। वर्कशीट लेकर जाते हो तो फिलअप करके आते हो, तो अच्छी तरह से फिलअप करो। वीडियो आप कंटिन्यू देखो, वीडियो में गैप आएगा। आपकी बुक, हिंदी की बुक सभी ने बनाई है ना, हिंदी की और गुजराती की बुक, जब फिलअप नहीं होगी, आप बुक में रोज नहीं लिखोगे, तो ऐसा तो माइंड किसी का नहीं है कि रोज रोज का याद रहे। हमें
फर्स्ट स्टैंडर्ड में बहुत सारे लोगों की वर्कशीट अच्छी तरह से नहीं आती, हैंडराइटिंग बहुत गंदी है देखो। और दो तीन लोग ऐसे हैं, मुझे नाम भी याद है, मैं नाम बोलूंगी अभी, दो तीन लोग ऐसे हैं जिसके पेरेंट्स वर्कशीट फिलअप कर देते हैं। तो पेरेंट्स थोड़ी पढ़ने आते हैं बेटा, पेरेंट्स को एग्जाम देनी है। चलो कोई ऐसा बोलेगा कि इस बार तो एग्जाम ही नहीं है, क्या पढ़ेंगे क्या करें। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा ये गैप ना हो इसलिए ये वीडियो में, ये मोबाइल में आप पढ़ रहे हो, गैप ना हो, वरना ये बेस है, ये कच्चा रहेगा तो आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। कैसे, वो भी मैं आपको एक समझा रही हूँ। देखो, आप फ्लैट में रहते हो या टेनामेंट में, जहाँ भी रहते हो, आप रहते हो तो आपका ग्राउंड फ्लोर ऐसे हिलता है तो चलो यहाँ एक मार फ्लोर है, ऊपर एक फ्लोर है, थर्ड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर फिफ्थ फ्लोर, पर ये ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर बहुत भारी आ जाए तो ऐसे हिलता है तो क्या करोगे, ग्राउंड फ्लोर तो ऊपर से सारे दर 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 नीचे आएगा। आपको टेनामेंट में भी रहते हो तो ये बेस ग्राउंड फ्लोर आपका पक्का होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ऊपर आप ज्यादा फ्लोर बनाने वाले हो। तो पढ़ना भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है सीनियर में कुछ नहीं पढ़े, चलो फर्स्ट में नहीं, हम तो आगे जाएंगे ना तो बहुत अच्छा पढ़ेंगे, टेंथ स्टैंडर्ड में आएंगे तो बहुत अच्छा पढ़ेंगे, क्यों, अभी से ही नींव कच्ची होगी, बेस कच्चा होगा तो आगे कैसे बढ़ोगे। आप जो जो स्टैंडर्ड आगे जाते हो बढ़ते हो तो वो ये नींव का फ्लोर है, नींव ही कच्ची रहेगी तो ये सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, आगे के स्टैंडर्ड की नींव है, बेस है, वही कच्चा रहेगा तो पढ़ना नहीं आएगा। हिंदी में पढ़ना नहीं आएगा, लिखना भी नहीं आएगा, वरना वन वन वर्ड आंसर किसी को तो एडी वर्कशीट में देखते ही नहीं हो बेटा क्या है। वर्कशीट में हेडिंग ही नहीं देखते, लिखा होता है वन वर्ड आंसर लिखो तो आपने फुल सेंटेंस में लिखा होता है, फुल सेंटेंस में लिखो तो वन वर्ड होता है। तो अच्छी तरह से सारे लोग ऐसे नहीं है, नेक्स्ट टाइम से मैं जिसकी वर्कशीट गंदी होगी, जिसने नहीं लिखा है बरोबर, तो उसका मैं नाम लेकर बोलूंगी, राइट। तो पेरेंट्स के बाजू में बैठ कर पढ़ो, पेरेंट्स के बाजू में बैठ कर पढ़ो, ना कि पेरेंट्स को बोलो कि तुम लिख दो, पेरेंट्स को मत बोलो कि तुम लिख दो, राइट। तो ये वर्कशीट की बात मुझे कहनी थी। फिर सेवन डेज, रविवार, सोमवार, थर्ड, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, सेवन डेज यानी कि एक सप्ताह, एक वीक, एक सप्ताह होता है। तो पहला डे कौन सा होता है, पहला दिन, तो वो भी हमको पता है कि रविवार होता है, लास्ट शनिवार होता है, राइट। तो ऐसे ये हमको पता है कि वीक में पांचवा वार दिन कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 गुरुवार, तो ये भी हमें पता है, तो ये पता है, राइट। तो ये 7 days इज इक्वल टू 1 week। तो इसमें आज जैसे बुधवार है, आज कौन सा दिन है, बुधवार, तो आज बुधवार है तो कल कौन सा दिन था, आज बुधवार
कल कौन सा दिन था? तो कल मंगलवार। फिर कल परसों कौन सा दिन था? तो परसों सोमवार था। आज, आज यानी टुडे, आज यानी टुडे, आज यानी टुडे। कल था यानी आप लोग पढ़ गए हो, क्या था है यस्टरडे। Day before yesterday, यानी कि कल होगा टुमारो। क्या टुमारो? टुमारो डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो। समझ में आया? तो अब हमारा टाइटल यानी कि जो लेसन है वो आज कल परसों, आज कल परसों, टुडे यस्टरडे डे बिफोर, टुडे टुमारो डे आफ्टर। हुआ ये क्लियर? हुआ आज कल परसों ये कैसे आता है वो क्लियर? हुआ क्लियर? चलो
आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में ये कैलेंडर दिया है। नेक्स्ट लेसन जब हम सीखेंगे तो कैलेंडर में वहां दिखाऊंगी डिजिटल में। तो सबको पता है ना कि 7 days इज इक्वल टू 1 week और एक मंथ, मंथ में 30 या 31 days होते हैं, फेब्रुआरी में 28 या 29 days होते हैं, वो तो सबको पता है। और ये 12 महीने 12 months इज इक्वल टू 1 year, वो भी पता है हम सबको कि 12 months इज इक्वल टू 1 year। तो ये था आपकी बुक में जो दिया है वो एक बार ये समझ में आ गया ना सबको, तो हम बुक वाला करते हैं। कैलेंडर कौन से दिन का है, ये थोड़ा ऊपर ले ले तो दिखाई देगा।
आपको कंटिन्यू दिया है रविवार, संडे, सोमवार, मंडे, मंगलवार, ट्यूसडे, बुधवार, वेडनेसडे, गुरुवार, थर्सडे, शुक्रवार, फ्राइडे, शनिवार, सैटरडे डे है, ये डे है और डेट डेट यानी तारीख। इसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर आपको दिए हैं। जैसे हमने सोचा था, मान लिया था कि इसके पहले के एग्जांपल में कि आज गुरुवार है, बुधवार है, तो हमने पूरा देखा था बुधवार का। आज ये दूसरा एग्जांपल, जैसे आज बुधवार गुरुवार है, गुरुवार आज यानी टुडे। याद रहा, तो ये नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आंसर हमने समझ लिया। क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे, पीरियड यहीं खत्म करते हैं। हरिओम।